गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि बहुत बहुत अच्छे होंगे। और ये है पुणे की 6:30 मॉर्निंग का नज़ारा। और थर्सडे है आज, और आज की जो मॉर्निंग थी ना, काफ़ी चिल्ड थी, तो हाथ वगैरह ठिर रहे थे प्रॉपर। तो आप लोग भी जिस भी सिटी में होंगे तो विंटर का आनंद ज़रूर ले रहे होंगे, क्योंकि आई थिंक सब जगह इतना तो ठंड होगा ही थोड़ा बहुत, क्योंकि पुणे में पहले ठंड वगैरह नहीं हुआ करता था, लेकिन आजकल ना मॉर्निंग थोड़ा सा चिल्ड हो रही हैं और काफ़ी मतलब अच्छा। और मॉर्निंग ऑलवेज अच्छी लगती हैं, जब भी विंडो ओपन करती हूँ ना तो चिड़ियों के जो चहचाने की आवाज़ है ना, वो बहुत सूदिंग लगती है, बहुत बहुत अच्छी लगती है। तो बताइए आप लोग कि आप लोगों की सिटी का क्या हाल है। फ्रेश वगैरह होके आई हूँ और बस अभी आके किचन में बना रही हूँ अपने लिए काढ़ा, मेरी मॉर्निंग ड्रिंक। तो जो लोग मुझे पहले से फॉलो करते हैं उनको पता होगा कि मेरी जो मॉर्निंग ड्रिंक है आजकल ये काढ़ा वगैरह रहता है। और आज के काढ़े में स्पेशल एक और चीज़ है, इसमें मतलब मैंने अदरक डाला है, सारे खड़े मसाले डाले हैं जो मैंने लास्ट टाइम वाले काढ़े में डाले थे, और इसमें टू चीज़ें एक्स्ट्रा हैं। एक तो इसमें मैंने ऐड किया है मुलाइटी पाउडर, जो मुलाइटी चूर्ण होता है ना, ये गले के लिए बहुत बहुत अच्छा होता है, तो आप अपने काढ़े में विंटर्स में ज़रूर ऐड करिएगा। और इसमें डाला है मैंने थोड़ा सा सोल्ट, क्योंकि सोल्ट बिना हमारे थ्रोट के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ऐसे ना आजकल मैं अपने काढ़ों के साथ ना काफ़ी एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो इससे क्या हो रहा है ना, मैं बोर भी नहीं हो रही हूँ एक ड्रिंक पी पी कर, और हर दिन कुछ भी अलग बना लेती हूँ ना, तो मेरे लिए भी चेंज हो जाता है। और आपको पता ही है कि कोरोना वाले सीज़न में मतलब हम लोगों को कोरोना सीज़न बोलूँ या कोरोना काल बोलूँ, तो जो भी ये टाइम है इसमें हमें कुछ ना कुछ इम्यूनिटी बूस्टर चाहिए। तो बेसिकली हमें काढ़ा अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए, और मॉर्निंग में ले तो ज़्यादा अच्छा है। और यहाँ पे सौरभ जी के लिए बन रही है गर्मा गर्म चाय, क्योंकि विंटर को देखते हुए उन्होंने अब अपना मूड वगैरह सब चेंज कर दिया है, तो उनको चाय पीना ज़्यादा अच्छा लगने लगा है। तो बस यहाँ पे पैरेलली चाय बनने के लिए रख रही हूँ। और यहाँ पे अर्ली मॉर्निंग ही आ गया है हम लोगों का बिग बास्केट का ऑर्डर, तो आजकल जब ज़रूरत होती है ना तो लेट आता है, लेकिन आज उतना ज़रूरत नहीं है तो जल्दी आ गया। लास्ट टू लास्ट व्लॉग में आई थिंक मैंने आपको बताया था ना कि बिग बास्केट का ऑर्डर नहीं आया, क्योंकि आज ज़रूरत थी, और ये महाशय डिलीवर करके चले गए हैं। और ये है हमारा सूप की वेजिटेबल्स, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने दिखाया था ना तो काफ़ी लोगों ने रेसिपी मांगी थी, तो इसमें स्पेशल ऐसा कुछ नहीं है। इसमें जितनी भी विंटर की वेजिटेबल्स है ना, लाइक कैरेट है, बीट रूट है, पालक है, और इसमें जिंजर है और कैरेट है, तो इसमें जो भी विंटर वेजिटेबल्स हैं उसको नमक डाल के हमें बॉयल करना है। एक्चुअली ये ना मम्मी ऑलरेडी बॉयल कर चुकी हैं पहले ही, वो फिर ठंडा होने के लिए रख देती हैं, क्योंकि अनवित फिर आजकल ना उठता है तो सबसे पहले उसको हम ये हेल्दी वाला सूप ही दे देते हैं। तो इसमें हम लोग ज़्यादा कुछ भी ऐड नहीं करते हैं, और बहुत हेल्दी ऑप्शन है, और आप ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। आई एम श्योर कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। आप इसमें फ्लेवर के लिए थोड़ा गार्लिक भी ऐड कर सकते हैं, ब्लैक पेपर भी ऐड कर सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है, बट हम लोगों को ना ये ऐसे ही अच्छा लगता है, और अब हम लोग मतलब सभी लोग इसको इंजॉय करते हैं। और लास्ट ईयर भी आई थिंक आप लोगों ने हमारे व्लॉग्स में देखा ही होगा, तो तब भी सब लोग इसकी रेसिपी मांगते ही थे। और यहाँ पर अनवित भी अभी उठ के आ ही गया है, तो उसको भी मैं फिर पैक कर रही हूँ। कल हम लोगों ने अपने विंटर क्लोथ्स निकाले हैं सारे, तो लग ही नहीं रहा था कि इंडिया जाके, क्योंकि हम लोग तो पुणे आने वाले थे, कि हमारे जो विंटर क्लोथ्स हैं वो यूज़ भी होंगे, बट पुणे का जो वेदर है ना वो एकदम सडनली चेंज हुआ है, तो अनवित के सब जैकेट्स वगैरह और मेरे भी फ्लीस और जो भी पतली पतली जैकेट है ना, वो सब मैंने बाहर निकलवाई हैं अपनी, क्योंकि हाथ ना ठिर जाते हैं। और ये है यहाँ पर हम तीनों की अलग अलग ड्रिंक, सौरभ की चाय, मेरा काढ़ा और अनवित का सूप। तो भी हम लोग अपना जो विंटर बेवरेजेस है ना वो इन्जॉय करेंगे, वही बोल सकती हूँ मैं इसको।
फाइनली मैं आ गई हूँ अपनी वॉक और रनिंग कर कर, और अभी अनवित साइकिलिंग ही कर रहा है नीचे। तो हम तीनों का, मतलब घर में हम चारों का ही फिक्स रूटीन है। मम्मी वॉक करती हैं, सौरभ और अनवित साइकिलिंग करते हैं, मैं अपना वॉक और रनिंग करती हूँ। तो बस आज विंटर स्पेशल, हम लोगों के इस विंटर के फर्स्ट बनने वाले हैं मूली के पराठे। तो मूली के पराठों की रिक्वेस्ट भी थी मेरे पास, मेरा पता नहीं मेरे चैनल पर मूली के पराठे शायद मैंने ग्लासगो में तो बनाए हैं, बट इंडिया में लास्ट ईयर भी मैंने शेयर किया होगा। बट वही है कि न्यू लोग आते हैं ना, तो फिर वो बोलते ही हैं कि आपने मूली के पराठों की रेसिपी शेयर नहीं की। तो मैंने सोचा कि आज बनी रहे हैं तो आप लोगों के साथ क्विक वाला शेयर कर देती हूँ। तो बस यहाँ पर मूली को मैंने पील ऑफ कर दिया है, वॉश करके मैं अपने फूड प्रोसेसर में ही इनको ग्रेट करूँगी, क्योंकि मुझे ईजी हो जाता है इनको फूड प्रोसेसर में ग्रेट करना। और में क्या है ना, इनको नमक लगा के रख देना चाहिए तो पानी छोड़ देती हैं एक्स्ट्रा, क्योंकि अगर हम नमक लगाएंगे नहीं ना तो मूली फिर पानी उतना एक्स्ट्रा नहीं छोड़ेगी और पराठे बनाते वक्त फिर दिक्कत होगी। तो बस मैं यहाँ पे आटा भी लगा के रख दूँगी, क्योंकि आटा भी पहले से लगा के रखेंगे ना तो फिर पराठे सॉफ्ट बनते हैं और फटते भी नहीं हैं। तो इसीलिए आलू का पराठा हो, कोई भी स्टफ पराठा हो ना, तो उसका जो आटा है वो पहले ही लगा के रख देना चाहिए, तो उससे पराठे अच्छे बनते हैं, सॉफ्ट बनते हैं। तो बस मैं अभी शावर लेके आ गई हूँ और इधर अनवित भी प्ले कर रहा है, रूम की भी बेडशीट वगैरह सब मैंने ठीक कर दी है। और यहाँ पे मैंने अनियन और चिलीज़ भी चॉप कर ली थी, क्योंकि रैंडमली प्लान हुआ कि चलो मैं अनियन भी मिक्स कर देती हूँ, और अच्छा लगता है मूली के साथ अगर अनियन मिक्स कर दिया जाए। तो आपकी अपनी चॉइस, अगर आप करना चाहते हैं तो करिए, नहीं तो नहीं। और यहाँ पे इनको अभी नमक ऐड नहीं करना है, वरना अनियन ना नमक छोड़ देगा, तो पानी छोड़ देगा, तो फिर पराठे में फिल करने में प्रॉब्लम होगी। तो बस यहाँ पे जो मैंने मूली ग्रेट करके रखी थी ना नमक लगाने के बाद, तो उसको काफ़ी देर हो गया है, और उसको मैं अभी अच्छे से उसका निचोड़ के पानी निकालूंगी। तो पानी निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि मूली में बहुत ज़्यादा पानी होता है। और यहाँ पे मैंने हरा धनिया भी डाल दिया है चॉप्ड किया हुआ। तो बस ये स्टेप मेन है, मूली का जो पानी है वो निकालना है। और यहाँ पे मम्मी मना करती हैं कि मूली का जो पानी है वो फेंकना नहीं चाहिए, काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। तो मैं इसको निकाल के रख लूँगी और वो फिर इसको दाल में मिक्स कर देंगी, क्योंकि मूली डाइजेस्टिव प्रॉपर्टी रखती है ना, तो डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। तो इसीलिए वो पानी फिर मैं सेव करके रख लूँगी, तो आप लोग भी मतलब उसको दाल वगैरह में या से आटा वगैरह लगा सकते हैं। अनियन मूली को मैंने मिक्स कर दिया है, मतलब एक प्लेट में रख लिया है। इसमें मैं अपने स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ, सौंफ पाउडर ऐड करूँगी, इसमें धनिया पाउडर ऐड करूँगी, और सॉल्ट बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करूँगी, क्योंकि सॉल्ट काफ़ी असर आ जाता है इसमें जब हम सोक करते हैं ना। और इसमें रेड चिली पाउडर ऐड करूँगी, थोड़ा सा मैं इसमें हल्दी ऐड करूँगी, क्योंकि मूली की जो तासीर होती है वो काफ़ी ठंडी होती है, तो अगर थोड़ा सा हल्दी ऐड कर देते हैं तो अच्छी रहती है। और हींग इसमें ऐड नहीं करूँगी, क्योंकि मूली में ऑलरेडी डाइजेस्टिव प्रॉपर्टी होती है। थोड़ा सा गरम मसाला मैं ऐड करूंगी इसमें, और बस इसमें थोड़ा सा बहुत अमचूर पाउडर ऐड करूंगी, और उनको बहुत अच्छे से मिक्स करके फिर मैं पराठे ही बनाना शुरू करूंगी। तो काफ़ी लोगों की शिकायत रहती है कि उनके मूली के पराठे फट जाते हैं। एक्चुअली मूली के पराठे में ना क्या होता है कि उनको बहुत ही हल्के हाथ से बनाना होता है, और अगर आपका डो अच्छा है और मूली अगर आपने प्रॉपर निचोड़ी है, तो आपके जो पराठे हैं ना वो कभी भी फटेंगे नहीं। और पराठा बनाने की एक और चीज़ है इम्पोर्टेंट बात, कि जो रोटी है ना जो हम बेलते हैं उसके किनारे पतले होने चाहिए और बीच वाला जो पार्ट है ना वो मोटा होना चाहिए। क्योंकि ये मुझे जो मूली के पराठे वगैरह ना, ये मतलब मेरी मम्मी ने ही बनाने सिखाए हैं, तो वो बोलती हैं कि अगर बीच का पार्ट पतला होगा, किनारे मोटे होंगे ना, तो मूली का पराठा 100% आपका फटेगा ही फटेगा। तो इसीलिए जो किनारे हैं वो पतले होने चाहिए। बाकी जो बिगनर्स हैं ना, उनके लिए एक और ट्रिक है बेसिकली पराठा बनाने के लिए, क्योंकि जिन लोगों को पराठा मतलब बनाने में तकलीफ़ होती है ना मूली का, तो दो आप रोटी बना लीजिए बहुत पतली पतली, और उनके बीच में मूली रख दीजिए, और फिर हल्के हल्के हाथ से उनको मतलब बढ़ा लीजिए, तो वो भी है। लेकिन वो मुझे थोड़ा कम पसंद है, क्योंकि उसमें क्या है ना, उसमें आटे का टेस्ट ज़्यादा आता है और मूली का टेस्ट कम आता है। इसमें क्या है ना, मूली बहुत अच्छे से डो के साथ चिपक जाती है ना, तो काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। लेकिन
क्या कर सकते हैं, अगर किसी को मतलब नहीं आता है तो मूली का पराठा खाने का मन भी है तो वो भी तरकीब बहुत अच्छी है। तो बस यहाँ पे तवा भी गर्म हो गया है और मैंने अपने जो मेरा जो पराठा है वो मैंने ऐड कर दिया है। तो बस ऐसे ही मैं सब पराठे बनाते जाऊँगी और आप मेरी बेलन चेक करिएगा, अगर मेरे पराठे फटते होते तो मेरा जो बेलन है ना वो एकदम गंदा हो जाता, लेकिन बेलन मेरा क्लीन ही है तो दैट मीन्स मेरे जो पराठे हैं वो अच्छे बने हैं, फटे नहीं हैं। पराठे वगैरह सब कुछ बना के आ गई हूँ। तो अभी सभी लोग ब्रेकफास्ट कर रहे हैं और मैं जा रही हूँ मंदिर। हमारे घर के पास में ना एक विष्णु भगवान का मंदिर है, तो अभी एवरी थर्सडे को ना मैंने वहाँ पे जाना शुरू किया है। तो आज थर्सडे है और अभी बस जाऊंगी, पास में ही है, 15 मिनट्स लगेगा आना जाना और दर्शन करना, फिर आके करूंगी ब्रेकफास्ट। तो ऐसा रहता है मेरा थर्सडे मॉर्निंग। ओपन हो गई है फिर जाके खाएंगे गरम गरम मूली के पराठे। फाइनली मेरे दर्शन हो गए हैं और मास्क वगैरह सब मैंने वॉश कर दिया है और ये है मेरा ब्रेकफास्ट, मूली के पराठे, मिर्ची का अचार और आम का अचार। और सौरभ बना रहे हैं चाय, क्योंकि अब आगे ना बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होता क्योंकि मेरी फास्टिंग ऑलमोस्ट आज तो 15 घंटे की हो गई है और बहुत तेज़ भूख लग रही है। तो मैंने सौरभ को बोला मैं बैठ रही हूँ और तुम मेरे लिए प्लीज़ चाय बना दो, क्योंकि सुबह को रनिंग करती हूँ, शाम को भी जल्दी खा लेती हूँ ना, तो फिर इस समय तक आते आते ना एकदम कंट्रोल नहीं होता और बहुत तेज़ मतलब भूख लग के आती है। तो मैंने बेसिकली 2 मूली के पराठे खाए हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया ना मेरा जो ब्रेकफास्ट है वो काफ़ी हैवी हो जाता है। अभी ब्रेकफास्ट हो गया है और आज बिग बास्केट का ऑर्डर आया था ना, तो कुछ लोगों की रिक्वेस्ट थी कि इस बार जब भी आपका बिग बास्केट का ऑर्डर आएगा ना तो मैं आप लोगों को दिखाऊं कि हम लोगों की ग्रोसरी में क्या क्या आता है। एक्चुअली ये सब चीज़ें तो नहीं है, क्योंकि बिग बास्केट से जब से ऑर्डर करना शुरू किया है ना तब से वीक में 2 बार या वीकली या मतलब जब भी जो चीज़ें खत्म होती है ना तो हम ऐसे ऑर्डर कर लेते हैं। तो ऐसे मतलब बेसिकली अब ऐसा नहीं रहा कि मंथली राशन आ रहा है, या फिर जैसे दाल जब जो खत्म हो गई, क्योंकि वेजिटेबल्स वगैरह का ऑर्डर जाता ही है तो उनके साथ आ जाती है। लेकिन इस बार जो भी चीज़ें मंगाई हैं वो दिखा देती हूँ, क्योंकि वीडियोस के पीछे बता देती हूँ ना कि ये मैंने बिग बास्केट से मंगाया है। तो इसलिए कुछ लोगों का था कि दाल बेक कर रहा है, दाल और तू बिछेड़ देगा। तो सब सामान मैंने निकाल लिया है, ज्यादा सामान नहीं है लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा देती हूँ क्या क्या है। तो ये लौकी मंगाई है 2, क्योंकि सूप में डलती हैं। और यहाँ से मंगाया है ये कॉलीफ्लावर का फूल, क्योंकि बिग बास्केट में अच्छा मिल जाता है। और टमाटर मंगाए हैं और ऑरेंजेस मंगाए हैं, क्योंकि आजकल हम ऑरेंज जूस पीते हैं तो हैं ऑरेंजेस हैं। और कैप्सिकम मंगाई है, बीटरूट मंगाया है सूप के लिए, और आपको पता है कि मैं ब्रेकफास्ट रेसिपीज में ऐड करती हूँ ना बीटरूट। और स्वीट पोटैटो मंगाया था, तो यूजुअली जो स्वीट पोटैटो आते हैं ना वो छोटे छोटे आते हैं, और पहली बार ही देखिए कितना बड़ा स्वीट पोटैटो भेजा है। इसका नहीं समझ में आया कि क्या करेंगे, क्योंकि अगर कट किया तो भी खराब हो जाएगा और एक बारी में इतना बड़ा करेंगे भी क्या, तो देखते हैं। लेकिन जब अभी तक जितनी बार भी मंगाए ना तो हमेशा वो छोटे छोटे भेजते हैं, लेकिन इस बार इन्होंने ये एक ही इतना बड़ा भेज दिया आधा किलो का। और इसमें क्या है? अच्छा, इसमें वो है छोटे वाले बैंगन, ये मंगाया है। तो ये तो रही हमारी वेजिटेबल्स, थोड़ी सी नहीं गाजर नहीं आई इसमें, गाजर तो सौरभ स्टार बाजार से लेके आएंगे शायद।
हाँ इस्लाम चार से लेके आएंगे वो तो। और आप लोग पूछ रहे थे कि हम लोग कौन सा, ये लो इडली रवा मम्मी, इडली सूजी इस बार का देखना, इस बार तो बहुत पतला आया ना रवा, इडली रवा हम लोग जो बनाते हैं ना वो बिग बास्केट से मंगाते हैं, तो इस बार हम लोगों ने ये वाला मंगाया है रॉयल का, तो लेकिन ये मुझे लग रहा है इसमें सूजी लिखा है, इडली सूजी रवा, सूजी तो नहीं होता रवा ही होता है इडली रवा जो हम मंगाते हैं, रॉन्ग आ गया है तो शायद ना, ये मेरे खासा दूसरे वाली सूजी है फिर, लेकिन फिर इडली कलर भी इसका वाइट है तो वही इडली सूजी रवा, इडली अगर वो सूजी होती उस पर रवा लिखा नहीं होता ना, हाँ, वो सूजी तो नहीं है तो इडली से संबंधित, हाँ ये इडली का ही इस पे लिखा है, लेकिन कंफ्यूजन इस बार ये है कि इन्होंने लिखा है इडली सूजी, इडली की सूजी नहीं होती है, इडली का रवा होता है, और जो हम लोग सूजी मंगाते हैं ना जो उपमा वगैरह बनाते हैं वो सूजी होती है। ठीक है, तो आपके कंफ्यूजन के लिए मैं बता देती हूँ कि ये इसके ऊपर लिखा है इडली सूजी रवा, अगर ये सिंपल सूजी होती ना तो उसके ऊपर ये रवा नहीं लिखा होता, आई मीन इडली नहीं लिखा होता, इसके ऊपर लिखा है इडली रवा, तो हम लोग ये यूज करते हैं। उसके बाद मंगाइए ऑर्गेनिक रागी, तो जो कि परमानेंट हमारे घर में रहती है, और पोहा चिवड़ा मंगाया है, और उसके बाद ये मिस्टर मसल का मंगाया है क्लीनर, ये बहुत बहुत अच्छा है, इससे जितने भी टफ स्टेन्स है ना वो उतर जाते हैं, गैस क्लीन करने के लिए सब बहुत अच्छा है ये वाला, तो ये मतलब यूज करती हूँ मैं। और उसके बाद मसाले, उसके बाद ये ब्रिटानिया का केक मंगाया है, अच्छा लगता है, और मसालों में मंगाया है, ये मंगाए हैं मसाले, ये है गरम मसाला, गरम मसाला बादशाह का मंगाया है इस बार, और ये है पनीर टिक्का मसाला, और ये है लजीज सब्जी मसाला कोहिनूर का, इस बार अलग मसाले ट्राई करके देखने का मन था, क्योंकि अगर अलग अलग मसाले ट्राई करते रहो ना तो फ्लेवर अलग आता है, और ये है तंदूरी मतलब तंदूरी मसाला, ये ना बेसिकली क्या है इस पे लिखा होता है तंदूरी चिकन मसाला, बट ये ग्रीन डॉट है, ये वेज मसाला है, ये चिकन मसाला नहीं है, और ये मंगाई है मैंने हर्ब्स गार्लिक टोस्ट है, तो इसकी मैं एक रेसिपी बनाने वाली हूँ इस वीकेंड, तो इसलिए मैंने मंगाया है ये, और मेरे ये टॉयलेट रोल्स हैं जो मंगाए हैं, और उसके बाद ये मंगाया है सुहाना का चाय मसाला, इस बार सुहाना का ट्राई करके देख रही हूँ, बाकी अगर आपके पास कोई और ब्रांड हो अच्छा चाय मसाला का ज़रूर आप बताइएगा, और ये मंगाई है बड़ी इलायची, और ये हैं हमारे इटालियन सीजनिंग, और चीज के लिए सब लोग पूछते हैं कि मैं कौन सा चीज मंगाती हूँ, तो चीज मेरे पास दो तीन तरीके के रहते हैं, एक तो ये रहता है अमूल का मोजरेला, और दो पैकेट पनीर का मंगाया है मैंने, और ये है चेदर चीज, तो रेसिपीज में ना ये दोनों मिक्स करके डालती हूँ, और एक चीज और मंगाया है प्रोसेस चीज, तो काफी बार सैंडविचेस में ना ये वाला चीज अच्छा लगता है, तो ये मंगाया है, और एक और मंगाया है क्रीम चीज, तो इस बार चीज की काफी सारी वैरायटी मैंने मंगाई है, क्योंकि क्या है ना अभी वीकेंड भी आता है तो उसमें भी कुछ ना कुछ बनता है, और फिर नेक्स्ट वीक से सौरभ लेने वाले हैं ऑफ, तो क्रिसमस वेकेशंस, तो इसलिए कुछ ना कुछ बनेगा ही, तो सोचा कि चलो मंगा लेती हूँ, तो ये है छोटी सी शॉपिंग। और ना हम लोग आजकल मतलब आजकल क्या काफी दिन से बिग बास्केट के साथ साथ जियो से भी ऑर्डर डालते हैं, क्योंकि जियो से भी ना चीजें काफी अच्छी मिल जाती हैं, और मतलब इधर प्राइस चेक कर लेते हैं और अवेलेबिलिटी चेक कर लेते हैं जहाँ पे जो अवेलेबल है, तो ये है हमारी छोटी सी ग्रोसरी शॉपिंग। तो बेसिकली ऐसा नहीं है, मैंने आपको बताया कि मंथली ग्रोसरी है या फिर ऐसा है, जब जो खत्म होता है ना मंगवा लेते हैं। तो चलिए ये था आज का छोटा सा वीडियो, आई डोंट नो कि छोटा है या बड़ा है, वो तो एडिटिंग के टाइम पे पता चलेगा। तो चलिए जल्दी मिलेंगे आप लोगों से एक नए वीडियो के साथ, आपकी अपनी नेहा के साथ, तब तक आप रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।